इफ यू हैव हर्ड दिस नेम, अलजबरिक एक्सप्रेशन का नेम सुना हुआ है आपने? यस, काफी बच्चों ने सुना हुआ है। यस, वेरी गुड। 8A सेक्शन, फर्स्ट बेंच पे, जिनके पास माइक पड़ा हुआ है बॉयज। ओके, प्लीज टेल मी क्या होता है, आपको क्या समझ आया अलजबरिक एक्सप्रेशन के बारे में? जिनको मॉड्यूल मिल रहा है प्लीज मॉड्यूल को अभी रख दो। ओके, पहले हम कंसेप्ट करेंगे, उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं देखना उसमें से, मॉड्यूल में हम कुछ नहीं उसमें से रीड करने वाले अभी। यस, 8A में से हु इज टेलिंग मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? यस बता दो बेटा, 8A फर्स्ट बॉय। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। कॉम्बिनेशन, इफ यू टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन? क्या होता है उन दोनों के बीच में? इट इज अ मिक्सचर इन व्हिच ए कॉन्स्टेंट डिफाइंस द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी डेफिनेशन की फॉर्म में आपने बताया। एक और चीज बता दो, वन थिंग मोर, यू आर मिसिंग समथिंग। आपने बोला कि वेरिएबल होता है और कॉन्स्टेंट होता है, सपोज ये हो होंगे दोनों, ठीक है, सिंपल, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन मीन्स इट कुड बी 4x, इट कुड बी 4-x, इट कुड बी x प्लस 4। तो ये जो सिंबल है वो भी इंपॉर्टेंट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर। ऑल राइट, प्लीज सिट डाउन। वेरी गुड, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। यस बच्चे, जो जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज सेटल डाउन, एक दूसरे को सेटिंग करवाओ जल्दी से सो दैट वी कैन स्टार्ट। वेरी गुड, गिव स्पेस टू ईच अदर, अकोमोडेट एंड डोंट डिस्टर्ब ईच अदर। ओके, आज आपका फर्स्ट डे है तो कोई बात नहीं, इफ यू आर सिटिंग टुगेदर। आज आपको लिसनिंग का काम ज्यादा करना है। ओके, लिसन टू इट केयरफुली व्हाट एवर विल टॉक एंड राइट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके बेटा, चैप्टर ये बहुत इजी है लेकिन कई बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है बिकॉज उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। छोटी छोटी बातें जो है वो इसमें नोटिस करने वाली है। जस्ट नाउ ही टोल्ड मी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट अलॉन्ग विद ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स। ऑपरेशन क्या होते हैं, प्लस माइनस प्रोडक्ट, ये सारे ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। तो ये सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुई, आपने 7th में भी ये चैप्टर किया हुआ है। ओके, तो आपको ये पता है कि जैसे आपने छोटी क्लासेस में 6th क्लास में फॉर्मूला किया था कि पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एवरीबडी नोज इट इज 4 इंटू साइड, सबको पता है, ये तो बहुत इजी फॉर्मूला था। 4 इंटू साइड वॉज द एरिया ऑफ पैरीमीटर ऑफ, सॉरी पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इफ अ साइड इज 4 सेंटीमीटर यू विल से 4 इंटू 4, इफ साइड इज 6 सेंटीमीटर यू विल से 4 इंटू 6। ओके, तो व्हाट इज चेंजिंग, दिस एस इज चेंजिंग, वेरिएबल जो है वो चेंज हो रहा है बार बार, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज वेरिएबल एंड 4 इज कॉन्स्टेंट। 4 चेंज नहीं हो रहा बट एस चेंज हो रहा है, दैट्स वाई 4 इज कॉन्स्टेंट एंड एस इज वेरिएबल। पहले तो उनके नाम आपको पता होना चाहिए कि बार बार आप ये वर्ड पढ़ोगे, कॉन्स्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, ये दो चीजों के पहले आपको नेम पता होना चाहिए। एंड ईच एंड एवरी चाइल्ड शुड नो इट एंड दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। जिन बच्चों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर मुश्किल लगता है उनको इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि ये छोटे छोटे नाम जो है ना वो ट्रबल करते हैं। किसी क्वेश्चन में कुछ कांस्टेंट पूछ लिया, आप सोचोगे अरे कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल पूछ लिया, यू शुड नो व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल, वेरी वेरी मीन्स जो चीज चेंज हो रही है बार बार उसका नाम है वेरिएबल। और वेरिएबल जो होते हैं वो आपको इंग्लिश अल्फाबेट की फॉर्म में मिलते हैं मैथमेटिक्स में, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू टी कुछ भी हो सकता है, स्मॉल लेटर्स में आपको जो भी वर्ड्स होते हैं, इवन वो मैथमेटिक्स वर्ड ही मैथमेटिक्स से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे साइड 4 थी तो मैंने एस की जगह 4 लिख दिया, 6 ही तो मैंने एस की जगह 6 लिख दिया,
वापिस हमें पहुंचना तो नंबर पे ही है, बट वो शुरू एक अननोन चीज से हो रही है। अननोन मींस जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि साइड ऑफ स्क्वायर, जब तक नहीं पता तब तक हम उसका पैरामीटर नहीं निकाल पाएंगे, तब तक हम उसको 4s की फॉर्म में ही लिखेंगे। बार बार हम 4s, 4x, 4a, 4b लिखते जाएंगे क्योंकि हमें साइड के बारे में नहीं पता। जैसे साइड पता चलेगी वेरिएबल खत्म हो जाएगा, नंबर आ जाएगा और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, टू थिंग्स यू शुड नो इन दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्स्टेंट क्या होता है जो फिक्स है, और वेरिएबल कौन सा होता है जो चेंज हो रहा है। फिर एक नया वर्ड आपका आता है कॉफिशियंट, एक और नया नेम है, उसके बारे में अभी आगे बताती हूं मैं। ठीक है, लेट्स गो अहेड। धीरे धीरे ये सारे वर्ड्स हम पढ़ेंगे। अभी क्वेश्चन आपके सामने है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4x प्लस 2, 5x माइनस 3, 5x स्क्वायर प्लस 2, बहुत तरह की आपने पढ़ी है। वो सारी चीजें कहाँ से बनी है? सेंटेंसेस आपको दिए होते हैं उनके फॉर्म से वो बने हैं। ऐसा नहीं है कि वो उसको वो मीनिंगलेस ऐसे ही लिखा हुआ है, इट हैज सम मीनिंग। सिक्स क्लास में, सेवन्थ क्लास में आपने सेंटेंसेस को पढ़ के वो बनाए थे, इनके एक्सप्रेशंस बनाए थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, वी नो दैट दिवाली इज आफ्टर 20 days, दिवाली इज आफ्टर 20 days फ्रॉम दशहरा। ठीक है, सपोज कर लो दशहरा की डेट आपके पास एक्स है, ठीक है, तो दिवाली की डेट क्या आएगी? काउंटिंग करके कैलेंडर के ऊपर जब आप काउंट करोगे, दिवाली की डेट कौन सी आएगी? एक्स प्लस 20। यू डू लाइक दिस, वी नो दैट दिवाली इज आफ्टर 20 days फ्रॉम दशहरा। आफ्टर 20 days, आफ्टर वर्ड आपको क्या बता रहा है? आफ्टर 20 क्या बता रहा है कि यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। ईच एंड एवरी वर्ड शुड बी फोकस्ड क्लियरली कि आपको एक्सप्रेशन जो बनानी है उसमें प्लस बनाना है या फिर माइनस बनाना है या फिर प्रोडक्ट बनाना है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटमेंट। आफ्टर 20 इज शोइंग कि प्लस 20 आएगा, और कहां से 20 आएगा, हाउ विल यू एक्सप्रेस इट इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की शक्ल हमें पता है, वेरिएबल होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और उसके साथ प्लस या माइनस होना चाहिए। तो एक्स प्लस 20 जो है, हमारी एक्सप्रेशन बता रही है कि दिवाली की जो डेट होगी वो एक्स प्लस 20 होगी। व्हाट इज एक्स हियर, प्लीज रेज योर हैंड। आई वॉन्ट टू आस्क अदर चिल्ड्रन ऑल्सो, बी सेक्शन, व्हाट इज एक्स हियर? ओके, आप ही बता दो बेटा, 8 थे में से। पहले अपना नेम बताओ। गुरकेरा ओके गुड बेटा, प्लीज टेल मी, मैक्स इज वेरिएबल। एक्स इज वेरिएबल, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारी दशहरा और दिवाली की बात हो रही है इस क्वेश्चन में, दशहरा की बात हो रही है, दिवाली की बात हो रही है, दो चीजों की। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा शहरा है? एक्स इज दशहरा, यस, दशहरा की डेट हमें एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि दिवाली जो है वो उससे 20 दिन के बाद आएगी, तो हम दशहरा की जो भी डेट थी उसमें हमने 20 प्लस कर दिया, तो हमारी दिवाली की डेट आ गई। सपोज कर लो 12th अक्टूबर को है दशहरा, तो इसमें आप 20 प्लस करोगे तो आपके पास 32 आएगा। अब आप सोचोगे 32 तो होता ही नहीं है, तो 32 मीन्स आफ्टर 31 1st नवंबर। अंडरस्टूड है? कैलेंडर को जब आप देखोगे, 32 डेट कौन सी आएगी? 31 के बाद 1st नवंबर जो आएगी, दैट विल बी योर दिवाली। हमने प्लस क्या किया? 20, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, पहले मुझे ये बता दो कि यहाँ ये फर्स्ट स्टेटमेंट किस किस को समझ आई है, रेज योर हैंड। वेरी गुड, हैंड्स डाउन, दीज आर नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। आपने 6th में भी स्टेटमेंट से आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाई थी, 7th में भी बनाई थी, और अभी 8th में दोबारा से बनानी है। ओके, नेक्स्ट इज द एज ऑफ फादर इज 5 टाइम्स द एज ऑफ सन। फादर, प्लीज रिमेम्बर, इन क्वेश्चंस में दो चीजों की बात होती है हमेशा,
वहां पे दिवाली और दशहरा की बात हो रही थी, यहाँ पे फादर और सन की बात हो रही है, ठीक है? यहाँ पे आपकी बात हो रही है फादर और सन की। इट इज रिटन एज ऑफ फादर इज 5 टाइम्स द एज ऑफ सन। 5 टाइम्स मीन्स 5 ×। प्लीज इसकी एक्सप्रेशन बता दो जल्दी से। किया हुआ है आपने पहले, रेज योर हैंड, बी कॉन्फिडेंट। अदर चिल्ड्रन ऑल्सो, एनीबडी फ्रॉम गर्ल्स? एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स 5 टाइम्स एज ऑफ सन। रेज योर हैंड, किस किस को पता है? ओनली वन बॉय इज टेलिंग मी, इट्स ओके। चलो लिसन टू मी केयरफुली, फिर मैं आगे क्वेश्चंस में आपसे पूछूंगी। ध्यान से समझ लो कि रूल क्या होता है। इन क्वेश्चंस में रूल होता है कि हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, फादर की बात कर रहे हैं और सन की बात कर रहे हैं, एफ और एस, ठीक है? इट इज रिटन फादर इज 5 टाइम्स द एज ऑफ सन। पहले सन की एज आएगी, उसके बाद फादर की एज आएगी ना, तो फादर की एज क्या बनेगी? 5x। ये आपके पास एक्सप्रेशन बनी 5x, ये भी तो एक से एक्सप्रेशन ही है 5x। अगर डाउट है तो प्लीज नोट इट डाउन, सिर्फ देखो नहीं, इनको सेंटेंसेस लिखो और सामने सामने लिखो कि ये कैसे आई है ये चीज, ये आगे भी यूज होगा आपका। क्विकली राइट डाउन, आप यू आर इन बिग क्लास, यू कैन राइट फास्टर। एक एक सेंटेंस लिखो, उसके सामने उनकी एक्सप्रेशन लिखो कि वो कैसे कैसे बनी है। कोई डाउट हो रहे हैं तो खड़े होकर पूछ लो, कई बार पिछला पढ़ा हुआ भूल भी जाता है, आई नो। ये सभी क्वेश्चन में क्या इसका आंसर था x+20, ओके, और इसका आंसर है 5x, जो आपकी एक्सप्रेशन बनी है। हु डोंट नो दे प्लीज राइट इट डाउन, जिनको कॉन्फिडेंट है कि येस वी नो इट, ये तो पिछले साल के क्वेश्चन हैं, हमें पता है कैसे करने हैं, तो दे कैन जस्ट अंडरस्टैंड। पर मेरे को भी बताते जाओ, कीप टेलिंग मी सो दैट मेरे को पता चले आपको कितना आता है, पर हम थोड़ा आगे चलें। नेक्स्ट वाला, थर्ड वन, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर मोर, 8 सेंटीमीटर मोर, मोर इज टेलिंग मी प्लस साइन देन इट्स ब्रेथ। रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ, किसी भी रेक्टेंगल के अंदर एल और बी चेंज होता रहता है, कभी लेंथ बड़ी होगी कभी ब्रेथ छोटी होगी, कुछ माइनस होगा कुछ प्लस होगा। प्लीज फोकस हियर, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर मोर देन, देन वर्ड हमें ये बता रहा है कि इससे पहले कुछ आना चाहिए, उसके बाद हम प्लस करेंगे। ओके, 8 सेंटीमीटर मोर, मोर मीन्स प्लस 8, किसमें प्लस 8? दैट इज ब्लैंक। व्हाट इट शुड बी, लेंथ और ब्रेथ, यहाँ पे क्या आनी चाहिए? 8B से somebody is raising his hand. Yes. I couldn't hear you, बच्चा. माइक ऑन करो. आपका माइक ऑफ है. ओके. बट आई कांट हियर यू. सर की हेल्प लो. ओके, यू कैन रेज योर हैंड, आई एम टेलिंग यू, आर यू टेलिंग मी हियर कि दिस इज बी, बी प्लस एट, रेज योर हैंड इफ यू आर सेइंग यस, वेरी गुड, बी प्लस डी, सो लेंथ शुड बी इक्वल टू बी प्लस डी, तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गई, बी प्लस एट लेंथ विल बी इक्वल टू ब्रेथ प्लस एट। नेक्स्ट इज, ऑन अ पिकनिक 20 फ्रेंड्स कलेक्टेड सम अमाउंट, 20 लोगों ने कुछ पैसे इकट्ठे किए, इफ ईच पर्सन कंट्रीब्यूटेड द सेम अमाउंट, हर एक बंदे ने कुछ कुछ रुपीज दिए, सपोज के 50 50 50 सबने दिए,
20 लोगों ने. ओके, तो दे आर सेइंग हाउ मच ईच पर्सन हैज कंट्रीब्यूटेड. हाउ मच ईच पर्सन हैज कंट्रीब्यूटेड, वो तो चलो एक्स की वैल्यू आएगी, आप एक्सपोज करोगी. ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितनी बनेगी, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितनी बार, 20 टाइम्स. ठीक है, तो पूरी कलेक्शन कितनी होएगी, पूरी कलेक्शन विल बी इक्वल टू 20x. ओके, ऑन अ पिकनिक 20 फ्रेंड्स कलेक्टेड सेम अमाउंट, सबने एक्स 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 रुपीज दिए, हमें नहीं पता कितने कितने दिए. वी सपोज रेट की एक्स एक्स सबने दिए, इफ ईच पर्सन कंट्रीब्यूटेड द सेम अमाउंट, इसलिए हमने 20x लगाया. ठीक है, एंड देन हाउ मच ईच पर्सन, ये हाउ मच तो जो आपका बाद में निकलेगा, इसको चलो हम फोकस नहीं कर रहे, पर फिलहाल हमारी जो यहां तक अमाउंट निकलेगी, यहां तक की एक्सप्रेशन निकलेगी, वो निकलेगी 20x. ये कितनी कलेक्शन हुई हमारे पास 20x की. ठीक है, अब आपको देख रहे हो बेटा, किसी में प्लस लग रहा है, किसी में B+8 लगा, X+20 लगा, किसी में 5x लगा, किसी में 20x लगा, ये सारी एक्सप्रेशंस बन रही हैं आपकी, क्योंकि वेरिएबल भी आ रहा है, एक नंबर भी आ रहा है आपका, और साथ में साइन भी आ रहा है, किसी में मल्टीप्लीकेशन का, किसी में प्लस का. अब पर्सन स्पेंट ₹5,000 ऑन रेंट, इफ हिज सैलरी इज ₹X, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 5,000 ही स्पेंट ऑन रेंट एंड उसकी सैलरी है एक्स. यस, यू आर रेजिंग योर हैंड, बता दो. 8 थे. यस यस, हाँ X-5,000. X-5,000. इट इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी गुड, सिट डाउन. ये छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए कि सो दैट यू रिकॉल इट कि हाउ टू थिंक, हाउ इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन आपने 7th में किया हुआ है, इक्वेशन तो बाद में बनेंगी, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स को कैसे यूज करना है, प्लस कैसे लगाना है, माइनस कैसे लगाना है, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं. चल लेट्स गो अहेड, अभी बहुत कुछ करना है आगे, ये ऐसे क्वेश्चन आपके दोबारा भी आएंगे, आगे करेंगे हम लोग. चल कम टू न्यू टर्म. इफ यू रिमेंबर 7th क्लास में आपने पढ़ा था कि एक्सप्रेशंस होती हैं आपके पास, ये आपके पास अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. बहुत ध्यान से बेटा ये क्वेश्चंस करना इजी है, लेकिन थोड़ी छोटी गलती हो जाती है. दिस इज एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एवरीबडी नोज. इसमें वेरिएबल आपके पास आ रहा है ए बी, और साथ में प्लस माइनस के साइन आ रहे हैं. आपको ये पता होना चाहिए कि एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो अलग अलग टर्म्स होती हैं वो आपस में प्लस या माइनस होती हैं. ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी टर्म्स हैं ध्यान से हमने देखना है. माइनस ए बी एक टर्म है, देन 2b² एक टर्म है, एंड -3a² एक टर्म है. अगर इसमें और एक और स्टेप यहां पे लिखो, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, -ab + 2b² प्लस -3a², ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है. मैंने माइनस को इसलिए सेपरेट किया है क्योंकि माइनस स्किप हो जाता है, कई बार हम उसको मिस कर देते हैं. ये जो पूरी एक्सप्रेशन है उसमें 3 टर्म्स आपको दिख रही हैं, 1, 2 एंड 3. अब उसके अंदर क्या क्या आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, मल्टीप्लाई क्या क्या हो रहा है, माइनस आपको क्या दिखा रहा है कि वो -1 है, इंटू ए इंटू बी, राइट. 2b² में क्या दिखा रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b. हमने उसको एक्सपैंड कर दिया, जो भी चीजें यहां पे आपको दिख रही हैं उनको मल्टीप्लीकेशन का साइन डाल के उनको हमने दूर दूर कर दिया, एक्सपैंड कर दिया, ताकि हमें उसके अंदर की चीजें दिखे कि इसके अंदर क्या क्या है. माइनस ए भी देखने में बहुत छोटी सी एक टर्म है, लेकिन इसके अंदर 3 चीजें हैं, -1, a और b.
सिमिलरली 2b² छोटा सा दिखने में लग रहा है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, इसके अंदर 2b है, b भी है, और b भी है, 2 टाइम्स b आ रहा है, प्लीज रिमेम्बर। फाइन, -3a² -1 है, 3 है, a है, इसमें 4 चीजें हैं। ये जो 4 चीजें हैं या फिर 3 चीजें हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है? आप चाहो, इफ यू आर नोटिंग इट, यू कैन राइट द मल्टीप्लीकेशन साइन हेयर, आपको याद रखने के लिए कि जो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनको हम बोलते हैं उनके फैक्टर्स, ठीक है? ये एक नाम आपको याद रखना है, फैक्टर्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती हैं, एक्सप्रेशन क्या होती हैं। एक मैंने आपको नाम बताया था, कांस्टेंट क्या होती है अभी जब हम पीछे किया था हमने, और वेरिएबल क्या होता है। टिल नाउ अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उसमें ये वाले हमने नाम आज सीखे हैं, नए नए इन द सेंस मेरे साथ, वैसे तो आपने बुक में पढ़ा हुआ है। कांस्टेंट क्या होता है, आपको पहचान होनी चाहिए। वेरिएबल क्या होता है, पहचान होनी चाहिए। एक्सप्रेशन क्या होता है, उनकी पहचान होनी चाहिए कि क्या क्या आपस में प्लस या माइनस हो रहा है, उसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, ठीक है? उसके बाद टर्म्स होती हैं, अगर 4 चीजें आपस में प्लस हो रही हैं तो 4 टर्म्स आएंगी, 3 चीजें आपस में प्लस हो रही हैं तो 3 टर्म्स आएंगी। और टर्म्स के अंदर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होती है। एक टर्म के अंदर चीजें जो है, चाहे वो कांस्टेंट है चाहे वेरिएबल है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स, ठीक है? ये नाम आपको, 5 नेम्स आपको पता होना चाहिए। इसमें कोई डाउट है, किसी ने पूछना है? एनीबडी हैज एनी डाउट? कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टर्म क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होती है, फैक्टर्स क्या होते हैं? इजी है, आपने ऑलरेडी पढ़ा 7th में। एनीबडी वॉन्ट्स टू आस्क? बड़े डाउट पूछो खड़े होके, छोटी छोटी चीजें डाउट क्लियर करो, फिर आगे आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। दैट्स व्हाई आई एम स्पेंडिंग सो मच टाइम ओवर हियर। बेसिक क्लियर है तो यू विल बी डूइंग इट वेरी क्लियरली आगे। चलो अभी सेम क्वेश्चन ही करते हैं, यू कैन नोट इट डाउन, प्लीज डू इट। फर्स्ट इज एक्सपेंडिंग ऑफ टर्म्स और फैक्टर्स ऑफ टर्म्स, सेम वे में आपको एक्सप्रेस करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 7x² प्लस 3xz, प्लीज नोट इट डाउन एंड स्टार्ट डूइंग। फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट, एग्जाम्पल आपके सामने है, उसको देख देख के करो। एंड आई एम श्योर जो बच्चे सिंसियरली करेंगे दे विल बी डूइंग इट नाइसली फर्दर ऑल्सो। लिखने से नहीं घबराना, मैथ्स में अगर लिखने से घबरा गए तो बस यू आर मिसिंग अ मेजर थिंग। आई एम ऑल्सो डूइंग हियर ए पार्ट, 7x² प्लस 3xz, सेम ऐसे ही बनाना है आपने जैसे ऊपर एग्जाम्पल है आपका। एरोज ऐसे ही बनाओ, दिस इज 7x² 3xz, ऊपर एक्सप्रेशन थी, नीचे हमने टर्म्स लिख दी, दिस इज एक्सप्रेशन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, दीज आर टर्म्स, ठीक है? उसके बाद आप बना रहे हो इसके फैक्टर्स, फैक्टर्स के लिए उसके एरो बनाने पड़ेंगे। कितनी एरो बनाने हैं काउंट करके, 7xx। सिमिलरली इसको एक्सपेंड करो, इन दिस ऑल्सो देर आर 3 एरोस, 3xz। मल्टीप्लीकेशन लगाना बीच में इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो, आपने देखा होगा कि हमारा जो कोई भी साइन नहीं होता नंबर्स के बीच में, अंडरस्टूड होता है कि वहां पे प्रोडक्ट है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन साइन हमें कई बार वो एक्स से वो कंफ्यूज कर देता है कि ये एक्स है या फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन है।
है, यहां मैंने समझाने के लिए लिखा था, बट यू कैन स्किप इट, नो प्रॉब्लम. दिस इज, दीज आर फैक्टर्स, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यहाँ पे. एंड हु हैव डन इट, प्लीज रेज योर हैंड. वेरी गुड. और जिनको आता था दे रेज ए हैंड्स, यस यू न्यू इट ऑलरेडी. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो बी पार्ट भी करो, दिस वॉज सिंपल. नाउ बी पार्ट. क्या हो रहा है ये, चेंज क्या हो रहा है ये? बी पार्ट एंड स्टार्टिंग हियर. इट इज वाई क्यूब माइनस 11 जेड. दिस वॉज एक्सप्रेशन, वी हैव टू कन्वर्ट इट इन टू टर्म्स. हर एक में आपके पास तीन ही आएंगे टर्म्स आएंगी. टर्म्स कौन कौन सी हैं आपके पास? वाई क्यूब एंड माइनस 11 जेड. टेक केयर ऑफ नेगेटिव साइन. माइनस साइन उसको सेपरेट कर रहा है, एक टर्म को दूसरी टर्म से सेपरेट कर रहा है माइनस साइन. फाइन, उसके बाद हम करेंगे इसके फैक्टर्स. वाई 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 हियर -1 11 एंड z. टेक केयर, -1 भी लगाना है. कई बच्चे -11 कर देते हैं डायरेक्टली. शिफ्ट इट इंटू -1 ऑल्सो, बिकॉज -1 भी एक फैक्टर है. अब आप सोचोगे कि यहाँ पे 2 के साथ 1 क्यों नहीं लगाया, ये वो जो ऊपर था. अगर यहाँ -2 होता तो मैंने यहाँ पे -1 2 लिखना था, बट यहाँ पे ओनली 2 लिखा हुआ है क्योंकि वो पॉजिटिव है. तो यहाँ पे हम 1 क्यों नहीं लिख रहे हैं? बिकॉज इट इज अंडरस्टूड. कोई भी 2f लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है कि 1 × 2 × f है. x लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है 1 × x है. एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है 1 × x² है. तो 1 को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, -1 को रिप्रेजेंट करने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके बेटा, आई होप इट इज ओवर. हैव यू डन? स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट. इजी था ये भी. सी, एम क्यूब एक्सप्रेशन को हम मिडल में लिखते हैं. एम क्यूब प्लस 60 -7. प्लीज टेक केयर, इसमें आपके पास 3 टर्म्स हैं, 3 एरो रिप्रेजेंट करनी है आपको. फाइन, क्या क्या आ रहा है? टेक केयर, प्लस के आसपास जो भी दिख रहा है उसको लिख लो, प्लस या माइनस के आसपास. इट इज -7. 3 टर्म्स हैं, फैक्टर्स बनेंगे इनके. एम एम एम, इसमें 2 फैक्टर्स दिख रहे हैं आपको, 6 एंड t. इसमें आपको फिर से 2 फैक्टर्स दिख रहे हैं, -1 एंड 7. आपने फर्स्ट कर लिया था तब भी मैं अगले क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूं ताकि आपके नेगेटिव जो साइन है ना वो आपको दिखे. मोस्टली नेगेटिव साइन से हमारी बहुत मिस्टेक हो जाती है. ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप देखोगे करोगे, यू विल बी एक्सपर्ट इन डूइंग. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. एक्सप्रेशन, टर्म्स एंड फैक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. रेज योर हैंड, हैव यू अंडरस्टूड दिस ऑल टिल हियर? वेरी गुड, लेट्स मूव अहेड. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यू नो. धीरे धीरे हम करेंगे और अच्छे से समझते जाएंगे.
नेक्स्ट इज राइट द इरिड्यूसिबल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पिछला क्वेश्चन हमने फ्लो चार्ट बनाया था, एरोज लगाए थे, डायग्राम बनाया था। इसमें कोई डायग्राम नहीं बनाना, डायरेक्टली आपने उसके फैक्टर्स लिखने हैं। हाउ वुड यू राइट इट? आई विल आस्क यू फर्स्ट, देन विल स्टार्ट। राइट द इरिड्यूसिबल फैक्टर्स ऑफ दिस। प्लीज रेज योर हैंड, अदर चिल्ड्रन ऑल्सो। वेरी गुड। इफ यू टॉक अबाउट दिस इरिड्यूसिबल फैक्टर्स, व्हाट डू यू मीन बाय इरिड्यूसिबल? यस बेटा, 8th सेक्शन, आप ही बता रहे हो मेरे को बार बार। आई होप मेनी चिल्ड्रन मस्ट बी नोइंग इट, बट थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो बताने के लिए ना। यू आई नो आपको पता है, बट बताने की हिम्मत रखो कि यस यू हैव टू स्टैंड एंड स्पीक। यस बेटा बताओ। Irreducible factors means that those factors which cannot be broken down into any other factors. यस वेरी गुड, प्लीज राइट इट डाउन। एवरीबडी विल राइट इट, राइट इट। व्हाट आर इरिड्यूसिबल फैक्टर्स? लिखो इसको, इरिड्यूसिबल फैक्टर्स क्या होते हैं? द फैक्टर्स विच कैनॉट बी ब्रोकन फर्दर। मैक्सिमम उसको आपने ब्रेक कर दिया, -7 को हमने तोड़ के -1 और 7 लिख दिया, इससे ज्यादा और क्या करेंगे? प्लीज एवरीबडी राइट डाउन, ये आपकी असर्शन रीजन में ये चीजें सारी काम आएंगी। ऑल दो यू नो इट, बट उसको सेंटेंस फॉर्म में आपको पता होना चाहिए। दिस इज अ न्यू टर्म, आज हम बात कर रहे हैं कि टर्म क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होती है, फैक्टर क्या होता है, कॉन्स्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। तो उन्हीं में से एक ये चीज भी है कि इररिड्यूसिबल फैक्टर्स क्या होते हैं, द फैक्टर्स विच कैनॉट बी ब्रोकन फर्दर। सपोज -7x है, इसको हमने मैक्सिमम क्या करेंगे, -1 × 7 × x, क्या इससे ज्यादा कर सकते हो? नो, दिस इज इरिड्यूसिबल। सिमिलरली -6x, हाउ वुड यू डू? यू विल राइट डाउन -1 × 6 × x, क्या ये इरिड्यूसिबल है? रेज योर हैंड हु आर सेइंग यस। रेज योर हैंड हु आर सेइंग यस, दे आर इरिड्यूसिबल। नो, दीज आर नॉट इरिड्यूसिबल। यू कैन ब्रेक 6 ऑल्सो, यू कैन राइट इट एज -1 × 2 × 3 × x। नॉर्मल अगर हम इरिड्यूसिबल फैक्टर्स की बात करें तो, टर्म्स और फैक्टर्स की तो हम बाद में बात करेंगे, बट एट प्रेजेंट जो है आपका इरिड्यूसिबल का मतलब होता है जितना मैक्सिमम हो सकता है उसको करो, ब्रेक करो। इट इज -1 × 2 × 3 × x, दिस इज इरिड्यूसिबल, जिसको आप आगे ब्रेक कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आपने लोएस्ट टर्म के क्वेश्चंस किए थे 6th में 7th में, फ्रैक्शंस को लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, कि मैक्सिमम उसको काटो जितना कटता है, ठीक है? जब वो कटना बंद हो जाएगा, उनके प्राइम फैक्टर्स आगे कि चलो आगे तो अभी कटिंग हो ही नहीं सकती, उसको आप बोलते हो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका। फाइन, इसी तरह ये होते हैं इसके इरिड्यूसिबल फैक्टर्स। ओके, लेट अस स्टार्ट इट नाउ, लेट अस डू फॉर ए, डू इट एंड टेल मी, आई विल बी आस्किंग यू ओनली। वेरी गुड, इरिड्यूसिबल फैक्टर्स ऑफ दिस।
आई एम डूइंग फर्स्ट फॉर यू, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि हम कैसे इसको लिखें. फ्लो चार्ट तो हमने बनाना नहीं है. यू कैन राइट लाइक दिस, फर्स्ट माइनस सेकंड. टर्म्स को ब्रेक कर रहे हो आप, प्लस माइनस साइन वैसे के वैसे ही आएगा. जो अलग अलग टर्म्स लिखी हैं उनको आप ब्रेक कर करके उनको मैक्सिमम जितना हो सकता है प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लोगे, ये होंगे उसके इरिड्यूसिबल फैक्टर्स. ये थोड़ा सा लंबा एक्सप्रेशन होगा. नेक्स्ट वाला 5x4 - 2x2 + 10x. प्लीज कीप डूइंग फर्दर, अपने आप इसको नोट इट डाउन और करो और करते जाओ आगे. अब आपको पता चल गया है. आई वॉन्ट टू कॉल फ्रॉम 8th G सेक्शन, जी सेक्शन से. हु इज द ब्रेव चाइल्ड हु इज कमिंग टू टेल मी? वेरी गुड, बी कॉन्फिडेंट. थोड़ा सा गलत भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यू हैव जस्ट स्टार्टेड द चैप्टर, कोई बात नहीं. हु इज कमिंग टू टेल मी? वेरी गुड, आ जाओ आगे. यस, 5 यू आर टेलिंग मी. बोलो बेटा. हाँ जी, 5 × x × x × x कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा. माइनस 2 × x × x प्लस 10 × x. ठीक है, जितना हो सकता है उसको ब्रेक करके आपने लिखना है, उसको हम बोलेंगे इरिड्यूसिबल फैक्टर्स. क्वेश्चन नोट कर लो, नेक्स्ट वाले COD यू कैन ट्राई एट होम. कोई डाउट होगा यू कैन आस्क मी टुमारो. ओके, सबको समझ आ गई कि उसको प्रोडक्ट जो 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 भी आप चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है उनको खोल दो, मैक्सिमम खोल दो जितना हो सकता है, एक्सपैंड करो. फाइन, प्लीज नोट नोट डाउन सी एंड डी बेटा, यू कैन ट्राई एट होम. आई होप इट इज क्लियर टू यू. कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें. किसी को कोई डाउट है प्लीज खड़े होके पूछ लो. एवरीबडी हैज डन ए एंड बी पार्ट, रेज योर हैंड. वेरी गुड, COD नोट डाउन कर लो, यू कैन ट्राई एट होम, देन वील मूव फर्दर. बुक्स में लिखे हुए हैं ये वर्ड्स. कई बार कहते हैं कि एक्सपैंड इट, कई बार बोलते हैं राइट द इरिड्यूसिबल फैक्टर्स, कई बार लिखते हैं वो राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ दिस. ठीक है, तो सबका सेम मीनिंग है. डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट नेम्स लिखे होते हैं. कई बार क्वेश्चन पेपर में भी आपको कुछ और नेम आ जाएगा, यू नीड नॉट वरी, सबका सेम है. फैक्टर्स मीन्स फैक्टर्स. ठीक है, चाहे वो इरिड्यूसिबल है, चाहे वो नॉर्मल फैक्टर्स है, चाहे वो एक्सपैंड फॉर्म में बताया है. ठीक है, चलो आगे चलते बेटा. फाइन, टर्म्स के बारे में आपको पता चल चुका है. किसी में एक टर्म होती है, किसी में दो टर्म होती हैं, किसी में 3 टर्म्स होती हैं, किसी में 4 टर्म्स होती हैं. अभी आपने 4 बार भी कर लिया इरिड्यूसिबल वाले में, तो इनके नाम अलग अलग होते हैं. ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे एक टर्म मिलेगी एक्सप्रेशन के अंदर तो आप उसको बोलोगे दिस इज मोनोमियल. ओके, मोनोमियल. अगर आपको 2 टर्म्स मिलेंगी, 2 टर्म्स का मतलब दो चीजें, दो टर्म्स आपस में प्लस हो रही है. प्लस के साइन को देखना है आपने, यहां पे प्लस के साइन को ऑब्जर्व करो केयरफुली. काउंटिंग कैसे करनी है टर्म्स की, प्लस और माइनस के आसपास देख के. ओके, अगर मैं अकेले 5x² देखूंगी
दिस इज वन टर्म, दिस इज कॉल्ड मोनोमियल. मोनो मीन्स वन, ठीक है. इफ देर आर टू टर्म्स, बाइनोमियल, बाय मीन्स टू. इफ देर आर थ्री टर्म्स, वी से इट इज ट्राइनोमियल. ये लाइंस इसलिए ड्रॉ की गई है कि आपने यहीं तक काउंटिंग करनी है. और तीन से ज्यादा जितने भी टर्म्स होंगी हम उनको नॉर्मल पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. और ये सारे ही पॉलिनोमियल ही है, ऐसा नहीं है कि मोनोमियल पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है. तो यू कैन राइट इट डाउन हियर, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ऑल आर पॉलिनोमियल्स, ऑल आर पॉलिनोमियल्स. ये पॉलिनोमियल्स की ही टाइप है, ओके. पॉलिनोमियल्स की ही टाइप है ये. और इसके जो बड़े नेम्स होते हैं, इससे ज्यादा ट्राई के ज्यादा, सपोज फोर टर्म्स आ गई, फाइव टर्म्स आ गई, सिक्स टर्म्स आ गई, तो उन सबको हम पॉलिनोमियल इन जनरल बोल देते हैं. बट ट्राई तक तो आपका काफी मैथमेटिक्स में यूज होता है कि ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म, बाइनोमियल मीन्स टू टर्म्स, मोनोमियल मीन्स सिंगल टर्म. ये सारी ही पॉलिनोमियल हैं. कई बार असर्शन रीजन में आपको आ जाता है कि आर दीज पॉलिनोमियल्स, यू विल से यस, पॉलिनोमियल्स की ही टाइप्स हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. और तीन से ज्यादा होती हैं तो हम उसको कोई स्पेशल नेम नहीं देते, पॉलिनोमियल ही बोल देते हैं. फाइन. और एक और आपको नया नाम, वेरिएबल. वेरिएबल हम सुबह बात कर चुके हैं, वेरिएबल क्या होता है. इंग्लिश अल्फाबेट्स जो भी होते हैं उनको हम वेरिएबल बोलते हैं. कॉन्स्टेंट कौन सा होता है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं लिखा होता उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, दैट यू नो. और कॉफिशियंट क्या होता है, दिस इज अ न्यू नेम. कॉफिशियंट, कॉफिशियंट वर्ड बहुत ट्रबल करता है कई बार ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉफिशियंट क्या है. तो सबसे पहले मैं आपको कॉफिशियंट की डेफिनेशन बताना चाहती हूँ. प्लीज नोट इट डाउन, आई एम राइटिंग हियर. एंड फिलहाल यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि नाइन को इन्होंने कॉफिशियंट बोला हुआ है, बिकॉज नाइन जो है एक एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. तो कॉफिशियंट का मतलब उसके साथ लगा क्या हुआ है, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, उसको हम कॉफिशियंट बोलते हैं. इसकी मैं आपको डेफिनेशन अभी लिखवाना चाहती हूँ. प्लीज नोट इट डाउन, देन विल स्टार्ट. राइटली. ठंडी हो गया मुझे तो. यस बेटा, प्लीज राइट डाउन कॉफिशियंट, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. कॉफिशियंट की डेफिनेशन लिख लो बेटा, क्वेश्चंस विल डू टुमारो, ठीक है. और प्लीज इसको लर्न करके आओगे, अंडरस्टैंड करके आना कि कॉफिशियंट होता क्या है. इन अ टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एनी ऑफ द फैक्टर्स, एनी ऑफ द फैक्टर्स विद द साइन ऑफ टर्म एनी ऑफ द टर्म्स, एनी ऑफ द फैक्टर्स विद द साइन ऑफ टर्म इज कॉल्ड द कॉफिशियंट, ठीक है. प्लीज नोट इट डाउन, टुमारो विल डिस्कस फ्रॉम हियर, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल्स. ओके बेटा, नोट कर लो इसको. मैम एक बार स्टार्टिंग वाला रिपीट कर दो, हमारी क्लास कट हो गई थी कॉफिशियंट का, मैम, जो स्टार्टिंग वाला है.
कहाँ से स्टार्ट करूँ, कौन मैम जो सा? आपने पहले पहले करवाया था। ओके, शेल वी डू टुमारो बेटा? कल याद रखना कि आप में एक जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो वहीं से स्टार्ट करेंगे. ओके okay? ओके मैम, क्या अभी टाइम अप हो रहा है, अदर टीचर इज वेटिंग, तो प्लीज आस्क मी टुमारो. ओके, विल रिवाइज दिस ऑल अगेन. ओके, सी यू बच्चे.